हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे प्रोजेक्ट एच डी। फ्रेंड्स, समय से हमारी लारावेल प्रोजेक्ट ट्यूटर से चल रही है और हमारी प्रोजेक्ट ट्यूटर का एक पार्ट फोर है जिसमें हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम प्रोजेक्ट बना रहे हैं। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे प्रोजेक्ट में क्या क्या फीचर होंगे, कितने टाइप के अकाउंट होंगे, जिसमें हमने डिस्कस किया था हमारे पास तीन टाइप के अकाउंट होंगे, एडमिन, पोर्टल और स्टूडेंट अकाउंट। तो आज से हम एडमिन अकाउंट पे वर्क स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम एडमिन अकाउंट बनाएंगे, देन उसके बाद हम पोर्टल अकाउंट बनाएंगे और सबसे लास्ट में हम स्टूडेंट अकाउंट बनाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एडमिन अकाउंट के लिए वर्क। हम इसे बंद कर देते हैं। देन सबसे पहले हमें एडमिन का लॉगिन बनाना है, तो हम सबसे पहले हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ओपन करेंगे। तो मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ वेब ब्राउज़र। ये हमारा वेब ब्राउज़र, यहाँ पर हम हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ओपन करेंगे। यहाँ पर मैं लिखूँगा लोकल होस्ट स्लैश ट्यूटोरियल, देन ट्यूटोरियल के बाद हम देंगे यहाँ पर हिट करते हैं। तो यहाँ पर हमें हमारा जो प्रोजेक्ट का हमने फोल्डर बनाया था ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम से रिलेटेड वो हमें शो होगा। यहाँ पर मेरा सर्वर ऑन नहीं, मैं सर्वर को ऑन कर लेता हूँ। तो मैं ओपन करता हूँ जैम्प। देन हमारा जैम्प स्टार्ट हो चुका है, तो हम इसे करते हैं हिट। तो देखिए ये रहा हमारा ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम प्रोजेक्ट। देन प्रोजेक्ट ओपन हो रहा है इधर, तब तक हम हमारा डेटाबेस ओपन कर लेते हैं क्योंकि हमें डेटाबेस थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन करने होंगे उसके लिए हमारे प्रोजेक्ट रिलेटेड। ये हमारा प्रोजेक्ट लोड हो रहा है, देन यहाँ पर हमारा डेटाबेस ओपन हो रहा है। तो देखिए हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ओपन हो चुका है। तो अब हम सबसे पहले इसमें जो यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे जो लारावेल का डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन सिस्टम होता है उसको हम एडमिन के लॉगिन के लिए यूज़ करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो लारावेल है वो डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन का फीचर प्रोवाइड करता है, तो हम सबसे पहले जो लारावेल का ऑथेंटिकेशन होता है उसे हम इनेबल करेंगे। तो सबसे पहले हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे हमारे डेटाबेस में, देन उसके बाद हम यूज़र का ऑथेंटिकेशन बनाएंगे। तो ये है हमारा पैनल, तो यहाँ पर हम एक डेटाबेस बना लेते हैं। यहाँ पर हम करेंगे न्यू और यहाँ पर हम देंगे माई प्रो अंडरस्कोर ऑनलाइन ex। हम डेटाबेस बनाएंगे और इस डेटाबेस को कॉन्फिगर करेंगे हमारे प्रोजेक्ट से। तो हम चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर पर और वहाँ पर ENV फाइल में हम इस डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं सी ड्राइव में, देन जैम्प, जैम्प के अंदर हम चलेंगे htdoc, देन htdoc के अंदर ट्यूटोरियल एंड ट्यूटोरियल के अंदर है हमारे पास ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम और इसके अंदर हमारे पास एक ENV फाइल होती है, इसके अंदर हमारे डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। हम इसे करते हैं एडिट। ये हमारी ENV फाइल ओपन हो चुकी है, इसमें हमें डेटाबेस सेटअप करना है। तो सबसे पहले हम हमारे डेटाबेस का नाम देंगे, देन उसके बाद हम यूज़र नेम देंगे रूट और उसके बाद हम यहाँ पे देते हैं पासवर्ड को करते हैं ब्लैंक। तो ये हमारे डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। देन इसके बाद सेकेंड हमें इनेबल करना होगा लारावेल का ऑथेंटिकेशन सिस्टम। ऑथेंटिकेशन सिस्टम बेसिकली लारावेल आपको प्रोवाइड करता है यूज़र रजिस्ट्रेशन, यूज़र लॉगिन एंड यूज़र लॉगआउट फीचर, तो हम उसका यूज़ करेंगे हमारे एडमिन के लिए। तो हम सबसे पहले इनेबल करते हैं ऑथेंटिकेशन। तो जब भी हम लारावेल का ऑथेंटिकेशन इनेबल कर लेंगे तो हमें यहाँ टॉप साइड में रजिस्ट्रेशन और लॉगिन दो ऑप्शन दिखेंगे। तो मैं सबसे पहले ओपन करता हूँ यहाँ से हमारा CMD जिसका यूज़ करके हम कमांड चलाएंगे और इसे इनेबल करेंगे। इसे कमांड के थ्रू इनेबल किया जाता है। देन इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे cd \, देन cd xampp, देन htdoc, देन उसके बाद हम यहाँ से चलते हैं ट्यूटोरियल,
देन उसके बाद हम चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट पर। तो ये है हमारा प्रोजेक्ट। देन यहाँ पर हम कमांड चलाएंगे PHP आर्टिसन आर्टिसन मेक कॉलन ऑथ। तो यहाँ लिखेंगे मेक कॉलन ऑथ, देन हम हिट करेंगे तो हमें ऑथेंटिकेशन मिलेगा। देन ये देखिए हमारा ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुका है। अब हम रिलोड करेंगे तो आप यहाँ पे देखिएगा राइट हैंड साइड टॉप पर हमें लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है। तो ये देखिए लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन हमें दो ऑप्शन मिल रहे हैं। तो ये हमारा ऑथेंटिकेशन तो इनेबल हो चुका है, लेकिन इसके लिए हमें डेटाबेस में एक टेबल बनाना होगी जिसके अंदर यूज़र की हम इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सके, क्योंकि हमारे पास यहाँ रजिस्ट्रेशन पेज है। इसका यूज़ करके हम जब यूज़र को रजिस्टर करेंगे तो उस यूज़र की इन्फॉर्मेशन हमारे इस के अंदर स्टोर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम माइग्रेशन चलाएंगे। तो हमने जब ऑथेंटिकेशन को इनेबल किया उसके साथ ही हमारे पास माइग्रेशन आ चुका है। अगर हम इसके लिए जाएंगे डेटाबेस फोल्डर पर, देन डेटाबेस के अंदर हम माइग्रेशन में अगर जाते हैं तो हम यहाँ पर यूज़र्स के अंदर दो टेबल मिल चुकी है, एक यूज़र टेबल है देन रिसेट पासवर्ड टेबल है। तो हमारा दो टेबल है तो हम इनका माइग्रेशन हमें रन करना होगा। अभी हमारे डेटाबेस में कोई टेबल नहीं है, जो हमने ये डेटाबेस बनाया है इसके अंदर हमारे पास कोई भी टेबल नहीं है। हम माइग्रेशन को रन करेंगे तो हमें दो टेबल मिलेगी जो लारावेल के ऑथ से रिलेटेड है। तो उसके लिए हम कमांड चलाएंगे PHP आर्टिसन माइग्रेट, देन इसे हम करते हैं हिट। देन ये देखिए माइग्रेशन टेबल सक्सेसफुली क्रिएटेड। देन यहाँ पर देखिए हमारी सारी माइग्रेशन रन हो चुके हैं। और अगर अब हम डेटाबेस को यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास सारी टेबल आ चुकी है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है माइग्रेशन की टेबल आ चुकी है, देन रिसेट पासवर्ड आ चुकी है, देन यूज़र टेबल आ चुकी है। तो अब हमें यहाँ पर एक यूज़र का रजिस्ट्रेशन करना है। तो हम यूज़र को रजिस्टर करके देखते हैं। हमने कोई कोड नहीं किया, केवल हमने कुछ कमांड चलाई है। और देखिए लारावेल का ऑथेंटिकेशन इनेबल हो चुका है। तो हम सबसे पहले रजिस्टर करेंगे यूज़र को। देन यहाँ पर हम देते हैं एडमिन और इसे देते हैं admin@gmail.com। देन पासवर्ड में यहाँ देता हूँ 123456। देन इसका हम admin@gmail.com कर देते हैं, admin@gmail.com। और इसे हम करते हैं रजिस्टर। तो ये देखिए हम सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुके हैं। देन अगर डेटाबेस में जाके देखें तो यहाँ पर हमारे यूज़र की इन्फॉर्मेशन हो चुकी है इंसर्ट, और हम लॉगिन भी हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए आप अगर यहाँ देखेंगे आप तो यहाँ पर देखिए लॉगआउट का ऑप्शन आना, मतलब हम लॉगिन हो चुके हैं। हम इसे एक बार लॉगआउट करते हैं और लॉगआउट करने के बाद अगेन लॉगिन करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम अगर कुछ अदर इन्फॉर्मेशन डाल दें तो लॉगिन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेल्स ने मैसेज दिया कि जो ईमेल है वो इनवैलिड है। तो यहाँ पर हम दे देते हैं ये वाली ईमेल और लॉगिन करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास चुका है द क्रेडेंशियल नॉट मैच रिकॉर्ड। अब हम सही क्रेडेंशियल डालेंगे, यहाँ लिखेंगे हम admin@gmail.com, देन 123456, देन अगेन हम लॉगिन करेंगे। तो ये देखिए हम आ रहे हैं होम के अंदर, मतलब हम लॉगिन कर रहे हैं। तो होम का यूज़ हम नहीं करेंगे इसमें, हम इसके लिए कंट्रोलर चेंज करेंगे क्योंकि हमारा एडमिन है। हम लॉगिन तो इसी पेज से करेंगे, लेकिन लॉगिन करने के बाद जो अंदर है हमारा यूज़र है वो होम कंट्रोलर पर नहीं आएगा। इसके लिए हम एक नया राउट बनाएंगे। तो उससे पहले हम इसे लॉगआउट करते हैं। देन इसके लिए हम एक कंट्रोलर क्रिएट करेंगे और उस कंट्रोल को लिंक करेंगे हमारे इस लॉगिन से। तो यहाँ पर हमें कंट्रोल करेंगे PHP आर्टिसन आर्टिसन मेक कंट्रोलर, देन हमारे कंट्रोलर का नाम होगा एडमिन, देन हम इसे क्रिएट करेंगे। तो देखिए हमारा एडमिन कंट्रोलर जो है वो क्रिएट हो चुका है। हम ओपन करते हैं हमारा एडमिन कंट्रोलर। देन ऐप के अंदर HTTP के अंदर हम जाएंगे कंट्रोलर में। देन यहाँ पर हमारा एडमिन कंट्रोलर बन चुका है। तो हम इसे एडमिन को ओपन करेंगे और इसके अंदर हम एक मेथड बनाते हैं पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, और इसमें हम क्या करेंगे कंट्रोलर इंडेक्स फंक्शन, देन यहाँ लगाते हैं हम सेमी कॉलन और इसके बाद हम आउटपुट करेंगे। तो यहाँ पर हम ब्रेक जाएंगे, देन इसके बाद हम जाएंगे राउट्स के अंदर। देन यहाँ पर हम web.php में इसकी राउट करेंगे। यहाँ पर हम एक राउट बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे राउट कॉलन कॉलन गेट, देन इसमें हम देंगे स्लैश एडमिन अगर होता है तो। यहाँ पर हम देंगे
जो हमारा एडमिन एट द रेट इंडेक्स मेथड है वो कॉल होगी। तो हमारा एडमिन कंट्रोल हम इंडेक्स मेथड को कॉल करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर हम स्लैश पर लिखेंगे एडमिन, देन हिट करते हैं। तो देखिए हमारा ये कंट्रोलर वर्क कर रहा है। तो अब हमें इस कंट्रोलर को हिट करवाना है, जब हमारा यूज़र लॉगिन करेगा तब हमें इसे हिट करना है। तो इसके लिए हमें एक फाइल में चेंजेस करना होगा। तो हम ओपन करते हैं उस फाइल को। तो यहाँ पर हम जाएंगे ऐप के अंदर, देन उसके बाद HTTP, देन कंट्रोलर, और उसके अंदर होती है एक ऑथ नाम का फोल्डर। इसके अंदर आपको मिलेगा लॉगिन कंट्रोलर। आप इस लॉगिन कंट्रोलर को ओपन करें। यहाँ पर चूक हो गई, मैंने यहाँ से मूव कर दिया। तो मैं इसे कट करता हूँ वापस, देन अगेन हमारे इसी फोल्डर पे से ले आते हैं। टेस्ट डॉक, इसके बाद हमारा जो फोल्डर है ट्यूटोरियल के अंदर, एंड यहाँ पर हम ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम, देन HTTP और कंट्रोलर, देन ऑथ, और यहाँ पर हम इसे करते हैं अगेन पेस्ट, और इसे करते हैं इसे हम एडिट। देन यहाँ पर जहाँ पर रिडायरेक्ट टू में होम लिखा है, यहाँ पर हमें लिखना होगा एडमिन। देन हम इसे करते हैं सेव। अगेन हम यूज़र को लॉगिन करते हैं हमारे एडमिन को, और अब देखते हैं हमारा रिडायरेक्ट कहाँ हो रहा है। यहाँ पर हम जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ लिखेंगे हम admin@gmail.com, देन पासवर्ड देने के बाद हम जैसे लॉगिन करते हैं तो ये देखिए हम आ चुके हैं अब एडमिन कंट्रोलर पर। तो अब होम पर नहीं जा रहे हैं, हम एडमिन के अंदर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा एडमिन का लॉगिन बन चुका है। इसके हमारे नेक्स्ट वीडियो में एडमिन के लिए टेम्पलेट सेटअप करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे और भी डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोडनाइटर, कोर PHP, देन एडवांस PHP के प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल अवेलेबल है, जिनका यूज़ करते हुए अपनी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको मेरी वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।